नमस्कार स्टूडेंट स्टूडेंट, मैं आपके साथ डिस्कस कर रहा हूँ सीबीएसई का सैम्पल पेपर जो आप सीबीएसई ने इशू किया अपनी वेबसाइट पर, और ये शायद आपने डाउनलोड कर लिया हुआ। ठीक है, मैं आज बता रहा हूँ आपको कि ट्रायंगल चैप्टर से कितने मार्क्स के क्वेश्चन आ सकते हैं। ठीक है, जो क्वेश्चन यहाँ पर लिख रहा हूँ उनको जरूर सॉल्व करें आपको। यदि आपसे सॉल्व नहीं हो रहा है तो उनके सॉल्यूशन मैं डिस्क्रिप्शन में दे रहा हूँ, लिंक दे रखा है। इस तरह के मैंने क्वेश्चन बहुत सारे सॉल्व कर रखे हैं। ठीक है, आप उन पर जाकर इनके सॉल्यूशन को देख सकते हो। यदि फिर भी आपकी समझ में नहीं आया तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में लिखना, मैं इसे सॉल्व करने की दोबारा कोशिश करूंगा। लेकिन पहले आपको खुद ट्राई करना है। ट्रायंगल चैप्टर से जो क्वेश्चन आ सकते हैं, ध्यान रखिए किस तरह का आ सकता है। एक वन मार्क क्वेश्चन आ सकता है। ठीक है, दूसरा क्वेश्चन आपके पास थ्री मार्क्स के दो क्वेश्चन आ सकते हैं और चार नंबर की थ्योरम आ सकती है। ये पाइथागोरस थ्योरम है। ठीक है, और दो थ्योरम्स और हैं आपके पास, पाइथागोरस थ्योरम की कन्वर्स भी आ सकती है। ध्यान रखिए चार पांच जितनी थ्योरम्स हैं वो आपको अच्छी तरह तैयार होनी चाहिए। लेकिन यहाँ पर जो मैंने क्वेश्चन दे रखे हैं इन्हें आप एक बार जरूर सॉल्व करिएगा, और सॉल्व करने के बाद अपने टीचर को दिखाइएगा कि जो आपने लिखा है वो सही लिखा है या गलत लिखा है। आपका लिखने का तरीका बहुत अच्छी तरह होना चाहिए। आपका वे ऑफ द प्रेजेंटेशन, काम करने का तरीका किस तरह का है, इंपॉर्टेंट बात ये ध्यान रखना है आपको। अधिकतर स्टूडेंट क्वेश्चन सॉल्व कर लेते हैं लेकिन उनके लिखने के तरीके सही नहीं होते हैं, इसलिए उनके मार्क्स परफेक्ट नहीं आ पाते हैं। तो मेरा रिक्वेस्ट आपसे है कि आप एक बार अच्छी तरह से लिखें और अपने टीचर को बताएं, उनको दिखाएं, सर देखो मैंने किया है, ये सही लिखा है क्या। ठीक है ना, आपको पता है आपने सही करा है, लेकिन आप उनको समझ लें कि उन्होंने सही लिखा है नहीं लिखा है। ये बात जरूर आप एक बार अपने टीचर से दिखा के वेरीफाई करा लें कि आप जो लिख रहे हैं वो सही लिख रहे हैं गलत लिख रहे हैं। तो ट्रायंगल चैप्टर से जो टोटल मार्क्स के क्वेश्चन आ सकते हैं वो आपके पास 4, 7, 10, 11 मार्क्स के क्वेश्चन ट्रायंगल चैप्टर से आ सकते हैं, जिसमें चार नंबर की थ्योरम आ सकती है, दो नंबर के इस तरह से प्रूफ वाले क्वेश्चन आ सकते हैं और एक नंबर का एक क्वेश्चन आ सकता है। ठीक है, इन चारों क्वेश्चनों को आप जरूर सॉल्व करेंगे। यह सॉल्यूशन आपसे नहीं हो पाता है तो आप, मैं नीचे लिंक दे रहा हूँ ट्रायंगल चैप्टर का, उसमें मैंने बहुत सारे क्वेश्चन सॉल्व कराए हैं, आप वहाँ पर जाके देख सकते हो। और फिर भी आपसे सॉल्व नहीं आ रहे हो तो कमेंट बॉक्स में लिखेंगे। मैंने एक आपके लिए ऐप बनाया है, शायद वो आपने ऐप डाउनलोड कर लिया होगा। यदि आपने अभी तक मेरा ऐप डाउनलोड नहीं किया है तो उस ऐप को आप डाउनलोड कर लें, उसमें मैं आपके एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट चीज़ देता रहूँगा। आने वाले समय में मैं आपके लिए अभी सैम्पल पेपर क्रिएट कर रहा हूँ जो आपके लिए बहुत ही अच्छे रहेंगे, बहुत यूनिक सैम्पल पेपर बनाए जा रहे हैं। वो कहीं से कॉपी पेस्टिंग कंडीशन नहीं है, वो निश्चित मैंने बहुत अच्छी तरह डिज़ाइन किया आपके लिए, वो निश्चित आपको बहुत जल्दी मिल जाएंगे। आप उस ऐप को नीचे में जो लिंक दे रखा है वहाँ पर जाकर उस ऐप को जरूर डाउनलोड करें। ठीक है ना, और मन लगा के पढ़ाई करें, किसी तरह का टेंशन नहीं लें। आजकल मैं देख रहा हूँ विशेष तौर से गर्ल्स कुछ टेंशन में आ रही हैं, तो टेंशन नहीं लेना बेटे। टेंशन लेने से समस्याएँ बढ़ेंगी, समस्याएँ सॉल्व नहीं होंगी। अभी आपके पास दिसंबर, जनवरी और फरवरी 3 महीने हैं। 3 महीने बैठ कर आप ईमानदारी से काम करेंगे तो आप बहुत कुछ कर सकते हो। ठीक है ना, यदि आपने अभी तक कुछ भी नहीं किया है तो मैं कह सकता हूँ कि आप 3 महीने लगातार अच्छी तरह बैठ के पढ़ाई करें, अपने कंसेप्ट को ढंग से समझने की कोशिश करें, तो 3 महीने के अंदर आप बहुत कुछ कर सकते हैं। इसलिए परेशान ना हो, मन लगा के काम करें, रेगुलर काम करें। ठीक है ना, थैंक यू वेरी मच। अपना ख्याल रखिए और मस्त रहिए। थैंक यू।